Hey guys, welcome to our new vlog and happy Holi everybody. मुझे सबसे अच्छा चांस ये लग रहा है होली का कि मैं रेडी हो सकती हूँ और मैं सब कुछ मतलब जो मुझे चाहिए हो मैंने चूड़े उतार दिए, सिर्फ एक एक पहना क्योंकि हम पूरे नहीं उतार सकती, मैंने सिर्फ एक एक कंगन पहना है और मैं होली अच्छे से खेल पाऊँ. करण वरन सब आ रहे हैं, अंदर तो अलाउड मना कर दिया बट हम बाहर. दूसरी होली है उसकी. दूसरी होली हाँ. एक बार हैप्पी होली. हेलो, मम्मी लगाएगी हैप्पी होली. जीत रहो जीत रहो. सदा सवान रहो. घर बंद हो गया. मम्मी ना करती है, बाहर जाएंगे ना तब. अब सैंडी को. सैंडी, हमारे घर में हो रहा है डीजे सिस्टम. मकर मास्टर जी ने हमारा डीजे मकर मास्टर सस्ता जुगाड़ किया है क्योंकि हमें कहीं टिकट नहीं मिली, हम कहीं जा नहीं पा रहे. हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली. चल चल, पैर तो सुले. ये पाल वाले में सर पे मत लगाए कलर. नहीं नहीं, कलर लगाए नहीं मैंने. अभी आ रहे, बाहर आ रहे. नाप नहीं लगेगा माथे पे एकदम. हैप्पी होली भैया. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस. दूर से टच कर. कोई दिक्कत नहीं है ना वैसे. अब हम चले डांस करने के लिए. किरण दीदी भी आ चुके. नहीं नहीं नहीं, ये मत डाला दीदी. अभी नहीं, अपने अपने में खेल रहे हैं लोग. प्लान किया है कि दिवे दीदी पे हम कीचड़ लगाएंगे. चलो चलो फटाफट भैया, आप इस वाले कैमरे को भी पकड़ो, इस वाले कैमरे को भी पकड़ो. सारे सारे किसके लगाओगे? दिव्या के. बहनों समझ गई, बहन बहनों समझ गई. आ जाओ, होली हो रही यहाँ पे. अरे यार इधर ही पागल है. मुंह बंद कर, मुंह बंद कर. ओए ये क्या है? मट बात. अरे दादा छोटी छोटी बहनों का असर है. What the hell? ये भी आ गया. तेरे जा रहा इसको पकड़ के. Happy Holi. ओए सैंडी, सैंडी. अरे भाई सैंडी के पैर पकड़. मत जो पानी मत पैर ना. हम बहुत दूर जाएगी. सैंडी के पैर पकड़. सैंडी के पैर पकड़. अरे यार नाइस. पतला लिया जाएगा. नाइस. पहले मारे डालो तुम. मम्मी दी को देखो, देखो पीछे में रंग गया. अरे पकड़ लो. अरे भाभी भाभी बहन बहन फंस गई तो. हां बिल्कुल. ओए पीछे लाए दिव्या. दिव्या अबे दिव्या. ओए रुक जा बेटा, रुक जा. आपकी बीवी को पकड़ लिया इन्होंने. नहीं पहले भाभी. आपको क्या लगता है इस खान में? अबे भाई साहब दीदी लेके जाओ, दीदी को लेके जाओ. ये बहुत वीडियो बना रहे, ये बहुत वीडियो बना रहे. भाभी को हमने की कीचड़ से रंग दिया है. बस
हाँ दीदी चल रहा है, वो वाला चल रहा है, बंद मत करना। हाँ नीतू रह गई, अब वही रह गई हो। नीतू नीतू उसको पकड़ के लाओ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सैंडी के पकड़ था यार। भाई उसे पकड़ना तो पड़ेगा तुम लोगों को, तुम लोगों का रंग पीरा करके चली गई हो। कोई बात चलो मुंह पे भी आ गया यार। और बताओ मत बात, यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। वहाँ साफ सुथरे हो, क्लोजअप थोड़ा कर लेंगे हम। हम बहुत अच्छे से खेलते हैं, मुंह धो लो बस। गाइस मेरे पति देव को कीचड़ में रंगने वाले थे, मैंने सबको रंग डाला एक एक करके सबको। देखो क्या बुरा हाल हो गया सबका, सब कीचड़ में। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा लक्सू भी ठीक है। बड़ा मजा आया मगर यार, मैं भग गई। एंड मेरा गुची बेटा भी ठीक है, बिल्कुल सेफ है ना गुचू, वेरी गुड। गाइस मैं अभी चालू चीज एक बताती हूँ। कीचड़ बनाया गया लखन और सबके लिए, लखन और मेरे देवर्स के लिए। और मैंने बोल दिया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, उनको लेट हो जाएगा जो भी है, ठीक है। मैंने एक एक करके सबको भिगा दिया उसमें और मैं बच के बैठ गई। मैं दीदी मैं कितनी चालू। और ये मैं बचपन से ऐसे ही करती हूँ, पहले एक बात दूसरे पर जाती हूँ कि चलो इसको करेंगे इसको करेंगे, और खुद एंड में बच के घर में छुप जाती हूँ। और मैं छुपी हुई हूँ, बट मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं से ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। कोई बात नहीं, मुझे ये खुशी है कि मैं इनसे छुपी और मैंने सबको, अकेली एक लड़की ने सबको धो डाला। और गुची परेशान करा है बाहर जाने के लिए, हेलो गुची। तो मुझे पता है जो होना है वो होकर रहेगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको होली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। मम्मी पकौड़े बना रही है, मम्मी ने बहुत सारी चीजें बनाई है, क्योंकि मम्मी को लगा कि करण और इक्की आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने बोला वो लेट हो जाएंगे, तो पता नहीं आ भी रहे या नहीं आ रहे। हाँ जी गुमक्कड़ मास्टर जी, क्या हो गया आपको? यार आंटी जो है पूरी पूरी मतलब अपने दामादों की सेवा में लगी पड़ी है। कैसे? गुजिया तलने पे लगी पड़ी है अभी तक। अच्छा नहीं गुजिया, चलो आंटी कल रात में गुजिया तो बना ही दी थी मम्मी ने, अब पैक कर रही है सबके लिए और ये ससुराल के लिए। ये बता इसका क्या करेंगे, ये बता। इसका बस इसको पैर से दूर से देखेंगे और कुछ नहीं, ये बस। और डालो मम्मी गुजिया सबको खिलानी है। मम्मी ने आज सुबह भी काफी सारी गुजिया बनाई, इनका नाइट में भी बनाई थी और मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। मम्मी और दिव्या दीदी ने काफी मुश्किल काफी ज्यादा गुजिया बजाई है, और क्योंकि बनाई है क्योंकि ससुराल से गुजिया जाती है। एंड घुमक्कड़ मास्टर जी की थोड़ी तबीयत डाउन हो चुकी है, यहाँ पर घुमक्कड़ मास्टर जी को बहुत रंग लग जाए। यार दोनों तीनों बहनें ने मट्टी से मिला, मतलब मट्टी के साथ में मिला। आप भी क्या, पीछे दिखाओ पीछे दिखाओ, नहीं मिला पाए, टर्न बैक ही देखो है ना। नीतू उस समय जाएगी जिस समय उसका पति यहाँ प्रेजेंट होगा। कीचड़ में नहीं, नहीं कीचड़ तो हम वैसे भी नहीं लगाते यार किसी को भी बिल्कुल भी। मतलब हमारे पास में अगर गाय होती ना तो इस समय गोबर के साथ में, जो हमारी मतलब पहाड़ियों की प्रथा है इस समय, मतलब हाँ। शुभ हमारे उसके अंदर में गोमूत्र और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं गोमूत्र होना चाहिए था। गोमूत्र तो इस समय वैसे छिटक, तू तो खा ले चुप खाना, गोमूत्र है इसके पीस देगा। पहले मैंने लखन और रिक्की को भेजने में मतलब मैं सक्सेसफुल रही, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाती हूँ खुद भी नहा लेती हूँ, बहुत ही गंदी हालत हो गई है मेरी। हमें बाहर नहीं जाना था, आई मीन स्पेशली मुझे बाहर नहीं जाना था। अब मम्मी मम्मी भी बड़ी खुश है ना मम्मी, क्या मैंने बचाया उनको। मम्मी तो लड़ नहीं लोकेश भैया, अच्छा लोकेश भैया थोड़ा सा नाराज हो गया कि उन्होंने इतनी प्लानिंग्स की थी कि रिक्की लखन और करण को सबको ना कीचड़ में, यार कीचड़ में मतलब हाँ मैंने तो सबको भिगा दिया कीचड़ में ना मम्मी। मम्मी क्या कहोगे आप, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी ना, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी और अभी तक मैं ऐसे ही करती हूँ, सबको ना जाल में फंसा के कि हाँ तुम और फिर मैं खुद भग जाती हूँ। मैं छुप गई थी, इनका अभी तक ये था कि मुझे डालेंगे कीचड़ में, अब मैं नहा लेती हूँ ताकि अब कोई चांस ना मुझे डालने का। हम लोग नहा लिए हैं, आज की जो होली थी वो बहुत यादगार होगी क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वेट किया लखन का, और उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो लोकेश भैया थोड़ा गुस्सा है मुझसे, मनाऊंगी भैया को। अभी मैंने पिज्ज़ा खाया है और मैं अपनी चीट डे एवरी डे कर रही क्योंकि मैंने इतना वेट अपना लॉस किया है, इतना लूज किया है मैंने अपना वेट कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे 4-5 kg मैंने लूज किया अपना वेट, और शादी के टाइम पर विदाउट एनी एक्सरसाइज। मुझे हटो
तो अब मैंने ना मम्मी ने ना मेरे लिए आइसक्रीम का इतना बड़ा टप मंगाया कि अब तू इसी को खाएगी पूरा, तेरे को ही खत्म करना। और मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है तो मम्मी लेटी है और मैं ये आइसक्रीम इंजॉय करूंगी। कैडबरी गुच्छू को बिल्कुल नहीं दूंगी। गाइस लोकी भैया आए हैं और हमसे लड़ रहे हैं कि तुम लोगों ने लखन लोगों को बुलाया इतनी दूर से, एक तो बुलाया और उसके बाद ऐसे छोड़ दिया। भैया आई नो हमने गलत किया है बट कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की चाल थी मम्मी और मेरी। देखो चाल नहीं थी, जो तो होती सवेरे तो क्या 10 बाल्टी पानी डालने के लिए बोल देते। अबे सवेरे अंधेरा थोड़ी ना हो रखा था। नहीं नहीं शाम का पानी गर्म डाल दे यार, तुम लोग बोलते सोलर का पानी डाल दे, दोनों भाई खुश होके जाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं नहीं शाम के थे ना, उसको बुखार हो रहा था बेचारे, यहाँ पे ससुराल में आए और उसके बाद उनको किसी ने छेड़खानी, मतलब छेड़ा भी तक नहीं किसी ने, बल्कि से हल्की से बात होती ना, मैं बोलती दो बाजी और डाल दे इसके ऊपर। और कलर भी नहीं लगाया भाई, कलर भी नहीं लगा के रखा उनको। कितना गलत, नहीं कलर तो मैंने हल्का हल्का लगा दिया था, सही बट मुझे बुरा लगा कि लोकेश भैया के साथ बुरा हुआ है। दो बाल्टियां पानी, मतलब जलजीरा का पानी भी इतना अच्छा नहीं होता देख लो, जितना मैंने उन लोगों के लिए दोनों ने ना करेंगे। बहुत लड़ा बेचारा, बहुत शरीफ है भैया, थोड़े से टली हुआ राजेंद्र नगर वाली आंटी से इसको भिड़ा देते, मजा आ जाता।